सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है, आपका क्या कहना है राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल? देखो ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी अभी 1,00,000 करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में 1,000,000,000 करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की MSP घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। अगर राहुल गांधी जी को इतनी गरीबों के प्रति दर्द है, चिंता है, वो अपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को आदेश दें। आज मुंबई में सबसे महंगा इसीलिए है कि महाराष्ट्र की टैक्स देश के अंदर सबसे ज्यादा है, राजस्थान की टैक्स पेट्रोल के ऊपर देश के अंदर सबसे महंगा है, वहां पहले घटा है।